आई गजब, ये हॉस्पिटल है या होटल? आंखें झुमिया गई, कसम से कह रहे हैं। वाओ, दिस इज सो कूल। अबे कहाँ हुआ, कहाँ देख लिया? ये देख, डिजाइनर शॉप, सारे ब्रांड की चीजें मिलेंगी, मतलब कि मॉल जाने की टेंशन खत्म। हाँ बे, तुम्हारा तो अनारकली से लेके पेरिस हिल्टन तक का सपना यहीं पूरा होगा। कहीं और जाने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पे जिम भी है। We are the new interns. आज ही ज्वाइन किया है. And you? आप कौन है? Okay, तो आप कबीर हैं. Hi, प्रज्ञा यादव. And I'm Nisha. एक दिन मेरी भी ट्रॉफी होगी एंड आई प्रॉमिस। डॉक्टर मल्होत्रा जितनी फेमस तो एक दिन मैं जरूर बनूंगी। डॉक्टर, ये सब क्या है? और यार डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर प्लीज बचाओ मुझे। सुनिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आप एक मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं तब तक मर जाऊंगा। डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। इनकी फाइल कहाँ है? जल्दी दीजिए।
मैं मर जाऊंगा डॉक्टर, डॉक्टर मैं क्या करूं? रेखा ने तुम क्या देख रही हो मेरा? सीपीआर दो। सीपीआर? हाँ हाँ सीपीआर, इनको सांस दे दीजिए। ठीक है, आप ऑक्सीजन मास्क लेके आइए और क्रैश कार्ट लेके आइए, प्लीज अरे गोलगप्पे खाने के बाद कम से कम मिंट तो खा लेती। और आप कम ऑन निशी आंटी, ऐसे क्लाइमैक्स से पहले कोई हंसता है क्या? हा? आपने ना सारा मजा किरकिरा कर दिया, यू नो व्हाट? एंड हेलो टू यू, दिस इज डॉक्टर वी। एंड यू नो व्हाट, बचपन में मेरी माँ ना मुझे भी गोलगप्पा कहकर ही बुलाती थी। हाउ डेयर यू डू दैट? अरे डेयर कहाँ, डेयर से पहले तो मेरा ट्रुथ सामने आ गया और डैम सीपीआर मिलते मिलते रह गया। आपको पता है कहीं मैं मर जाता तो? आपको अभी भी दया नहीं आ रही क्या? मुझे जबरदस्ती सीपीआर लेना पड़ेगा आपसे? डे यू डू दैट अगेन। ये थप्पड़ नहीं, अपने लिए खतरे की घंटी बजाइए मिस गोलगप्पा। ट्रस्ट में पूरा हिसाब होगा। अबे यहाँ भी कहाँ चली गई है ये महारानी भी? Where were you? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? अबे जल्दी चलो, हॉस्टल रूम अलॉटमेंट की लिस्ट लगी है। तुम कहाँ रहती हो? माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, नहीं वो लिस्ट लग गई है तो मैं चेक करके आपको फोन करती हूँ। ओके चल चल चल। हाँ बाय बाय। हाँ चलो। अबे हटो बे। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। अमित दोस्त। प्रज्ञा यादव हमारे तो नाम है, तुम देख लो। ईशा तुम भी जाओ जल्दी। हाँ, से चेक करने। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम कहाँ गया? इसे कैसे हो सकता है? अब चल ना, कितनी बार अपना लिस्ट में नाम देखेगी? चल। लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। What? Not possible. रुक मैं देखती हूँ। अबे ओ, पूरी की पूरी लिस्ट रट्टा मारने का इरादा है क्या? हॉस्टल रूम की अलॉटमेंट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट नहीं है, जो दोनों की दोनों आंखें कड़ा के यहीं खड़ी हो तब से। प्रज्ञा साची का नाम इस लिस्ट में नहीं है। पगला गई हो क्या तुम? ना कसम से आंखों वाली अंधी हो। हटो हम देखते हैं। साची कहते हम तुमको, तुम ना कसम से आंखों वाली अंधी हो। लिखा तो है अच्छा खासा बड़ा बड़ा साची। अगर मैं अंधी हूँ तो तू इलिटरेट है। ठीक से देख, वो साची अग्रवाल है। हटो बे, देखते हैं। हाँ बे, ये तो साची अग्रवाल ही है। अबे ओ, तुम ना टेंशन मत लो,
कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। चलो किसी से पूछते हैं। सही में? हाँ प्रज्ञा। एक्सक्यूज मी मैम, वो एक्चुअली अलॉटमेंट लिस्ट में संजय मिश्रा का नाम नहीं है। तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब? मतलब ये फाइनल लिस्ट है, और अगर इस लिस्ट में किसी का नाम नहीं है इसका मतलब उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। पर ऐसे कैसे आप लोग एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ये हमारा अस्पताल है, हम जब चाहे जिसका चाहे एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। Got it? अच्छा माँ, आज सुबह सुबह आंखें बंद करके मेरे हाथों की पूजा आरती क्यों? क्योंकि आज के बाद इन हाथों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां सुधरेंगी, जाने बचेंगी। माँ का फोन। अब मैं क्या कहूंगी उनसे? उनका सपना। साची साची रिलैक्स, आई एम श्योर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम हमारी क्लास के टॉपर हो और तुम्हारा नाम इस लिस्ट में होना ही था। ऐसे कैसे कोई एडमिशन लेटर देने के बाद कोई नाम हटा सकता है? अबे सुनो, तुम ना ज्यादा टेंशन मत लो, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, हम कुछ करते हैं। क्या करोगे प्रज्ञा? उन्होंने कहा ना लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, अब मैं यहाँ इंटर्नशिप नहीं कर पाऊंगी। एक घंटे में आपका इंटरव्यू है। जस्ट आंसर यस और नो ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट अमित? यस मैम। दीपिका? प्रेजेंट मैम। ईशा? यस मैम। पार्थ? प्रज्ञा? यस मैम। संजय? यस मैम। साची? साची अग्रवाल? साची अग्रवाल? So weird. आज के दिन में ये साची अग्रवाल यहाँ नहीं आई, ऐसी कहाँ बिजी हो सकती है कि अपना एडमिशन मिस कर दिया उसने। तू डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई है साची, और वही बनेगी। आज हमारी बेटी हमारा सपना पूरा करने जा रही है, ये भी अपने पापा की तरह एक कामयाब डॉक्टर बनेगी और हमारा नाम खूब रोशन करेगी। I'm sorry माँ, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। I'm sorry. मैं जानती हूँ आपको जब सच पता चलेगा तो बहुत दुख होगा, लेकिन आपका यह सच जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। भांग खालियों का? हाँ, ऊपर का माला खिसक गया है क्या तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम? क्या कहोगे आंटी से फोन करके? वही जो सच है, उसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। किसने कहा ऑप्शन नहीं है? नहीं एक मिनट, मैं तुम लोगों की डैड की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अबे उनकी हेल्प तो हम खुद नहीं लेते तो तुमको क्यों दिलवाएंगे? एग्जैक्टली, वी हैव अ बेटर आइडिया स्वीटहार्ट। क्या? सी, तुझे कॉलेज में इंटर्नशिप करना है ना, तो वो हो जाएगा। हम समझाते, बस तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, साची मिश्रा से साची अग्रवाल। क्या तुम लोग पागल हो? मैं सब बिल्कुल भी नहीं करने वाली। काहे? का दिक्कत का है तुम्हारा? देखो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ये सीट तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
और ये आंटी जी का सपना है, और उनका सपना तो मैं ऐसे ही नहीं तोड़ सकती हूँ, समझ रही हो क्या कह रहे हैं हम? लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कल जब साची अग्रवाल आ जाएगी तब उनका सपना पूरा हो जाएगा। That you don't worry. वो नहीं आने वाली। तुम्हें कैसे पता? अभी कह दिया ना तुमको एक बार कि नहीं आने वाली है तो नहीं आने वाली है। अब तुम इतना भेजा ना खाओ हमारा। हाँ, वो जो कुछ भी हो मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं नहीं करूंगी। भले ही ये तेरे भगवान का इशारा क्यों ना हो। मतलब सोशल मीडिया पे साची अग्रवाल का पूरा प्रोफाइल खंगाल लिया है। RIP साची अग्रवाल। साची अग्रवाल जिंदा ही नहीं है। साची अग्रवाल अपनी सीट क्लेम करने कभी भी नहीं आने वाली है। और तुम साची मिश्रा से साची अग्रवाल बन के अपनी पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकती हो इसी कॉलेज से। हाँ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट सीट, अभी तुम जाकर उसके नाम पर अपना इंटरव्यू देकर आओ। उसके बाद हम फिगर आउट कर लेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद भी तुम्हारा एडमिशन क्यों कैंसिल हो गया। नहीं, मुझसे ये नहीं हो। अपने करियर की शुरुआत मैं किसी झूठ पर नहीं करना चाहती। अबे ओ साची मिश्रा, किसी शुभ कार्य के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है बालिके, समझ रही हो? और अभी तुम चिंता मत करो, ये सब हम दोनों मैनेज कर लेंगे और हम हैंडल कर लेंगे, तुम बस जाओ। ईशा, तुम इसे लेकर अंदर आओ, तब तक हम कुछ जुगाड़ बिठा दें। और तुम, अब अगर तुमने कुछ भी चू चपाड़ किया या अपना ऊपर का भेजा ज्यादा चलाने की कोशिश की ना, तो कसम से कह रहे हैं मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। सतुषा प्लीज, साची क्यों इतना सोच रही हो तुम? हमारा प्लान बिल्कुल रिस्क फ्री है, मान जाओ ना प्लीज। ईशा तुम समझ नहीं रही हो, मैं ये नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। जिस करियर की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर होती है उसकी उम्र भी ज्यादा लंबी नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, मुझे पूरी लाइफ डॉक्टर बन के रहने में इंटरेस्ट है, फ्रॉड बन के नहीं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, देखो तो क्या हो रहा है, इसकी हालत खराब हो रही है। भागो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा देर रुक जा। क्या हुआ? देखो ना, इसमें सिक्का निकल लिया है, वो सिक्का अटक गया इसके गले में। ओके, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। बेटा यहाँ पे आ जाओ। अरे कौन है ये क्या कर रही है? अरे कहीं इस बच्चे के पेट में ना लग जाए। Excuse me. Hey, ये क्या हो रहा है? बच्चे को छोड़िए। I said put him down immediately. सर प्लीज दो मिनट दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। देखिए ये हॉस्पिटल है, इलाज यहाँ ऐसे नहीं होता। बच्चे को नीचे रखिए राइट नाउ। Please, sir, sorry. I'm really sorry. देखो, thank you so much. आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। आपको जितना थैंक्स बोलू उतना कम है। Excuse me. कौन हो तुम? Sir, we are new interns. आज ही ज्वाइन किया है। इंटर्न, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? साची। पूरा नाम? सर, मैंने तुमसे नहीं पूछा। डॉक्टर साची, व्हाट इज योर फुल नेम? मैंने कुछ पूछा तुमसे, अपना पूरा नाम बताओ। मिस साची।
हैं साची अग्रवाल। तुम इसकी स्पोक्स पर्सन हो? मैंने डॉक्टर साची से सवाल किया था ना? यस सर। तो फिर तुमने क्यों जवाब दिया? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली वी थ्री आर न्यू इंटर्न्स और इंटर्नशिप के पहले दिन ही अगर कोई इंटर्न डॉक्टर मल्होत्रा की बात काटे और तो फिर उसके बाद उनके सामने बोलने की हिम्मत कौन करेगा सर? आप तो हमारी इंस्पिरेशन है सर। एक्चुअली सांची नर्वस हो जाती है इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। सो सॉरी फॉर दैट। इस तरह तुमने इस बच्चे की जान बचाने के लिए अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया है, दैट्स वेरी कमेंडेबल, गुड। लेकिन ये हॉस्पिटल है और यहाँ इलाज के रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं जिसे हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम अपने ये घरेलू इलाज करने से पहले ये याद रखना कि तुम डॉक्टर हो, दादी माँ नहीं। All right, everybody, please, चलिए अपना अपना काम कीजिए। Everything's okay here, सब ठीक है। Thank you very much. बाल बाल बच गए आज तो। अच्छा हुआ ईशा तुमने संभाल लिया, वरना ये महारानी तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देती। और क्या, तुम दोनों ने मुझसे झूठ तो बुलवा दिया पर पता नहीं ये झूठ कितना लंबा चलेगा। तब तक चलेगा जब तक हम चाहेंगे। तू बस अपने मुंह पे टेप लगा और अपने दिमाग में एक कैसेट बार बार रिवाइंड करती रही कि ये आंटी का सपना है और तू जो भी कर रही है उनके लिए कर रही है बस। ठीक है, मैं अपने मुंह पे टेप लगा के रखूंगी, लेकिन जब असली साची अग्रवाल का फोटो सब लोग फॉर्म में देखेंगे ना, तब मैं देखूंगी तुम्हारा ये रिस्क फ्री प्लान कितना काम आता है। अबे ओ महारानी, तुम का हमको बैल बुद्धि समझी हो का? इतना बड़ा कांड करेंगे और इतनी जरूरी बात पे ध्यान नहीं देंगे क्या? मतलब तुमने कुछ? प्रज्ञा? अबे प्रज्ञा यादव नाम है हमारा, राजनीति में नहीं गए तो क्या हुआ? राजनीति तो हमारे खून में है कि नहीं? साफ साफ बता तूने क्या किया। तो सुनो, हम कॉलेज ऑफिस गए थे, खाली पड़ा था, हमने भी तुरंत वहाँ से फाइल निकालना शुरू कर दिया। अबे इतना सारा फाइल ढूंढने के बाद आखिर में हमको एक फाइल मिला, उसमें साची अग्रवाल का फोटो चिपका था और हमने वो फोटो निकाल दिया। जीनियस, थैंक यू थैंक यू। अब ज्यादा तारीफ पसंद नहीं है हमें। अब तो अपने फोरहेड से ये फ्राउन लाइंस हटा ले वरना परमानेंट हो जाएंगी। और अगर तुझे सोचने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आंटी के बारे में सोच, उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। माँ का फोन है, मैं उनसे झूठ कैसे बोलूं? हेलो साची, कहाँ है तू बेटा? क्या हो रहा है वहाँ पे? सब कुछ ठीक से हुआ या नहीं बेटा? आंटी मैं ईशा बोल रही हूँ। वो आंटी साची इंटरसेशन के लिए बाहर गई है और उसका फोन मेरे पास था और फोन साइलेंट में था, पता नहीं चला। कोई बात नहीं, वो जैसे साची आएगी मैं उससे आपकी बात करवा दूंगी। हाँ ठीक है। आज मेरी साची बहुत बड़ा काम करने जा रही है, मेरा सपना पूरा करने जा रही है। इसमें थोड़ी सी भी रुकावट का ख्याल भी आता है ना तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। डोंट वरी आंटी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है बेटा, साची जैसे आए मेरी बात करवा देना। ओके आंटी, बाय। कुछ गुस्सा तुम्हारी मोटी बुद्धि में, ये दिमाग पे ताला मार के चाबी किसी गंदे नाले में फेंक दियो। समझती नहीं है ये महारानी बिल्कुल भी। साची ये इंटर्नशिप आंटी के लिए बहुत जरूरी है, पूरी लाइफ उन्होंने यही सोचा है कि सावित्री देवी कॉलेज में तू पढ़े। प्लीज साची कुछ समझने की कोशिश करो, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और उनकी खुशी के लिए एकजुट
कहीं सच से बड़ा होगा। ओके बट आगे ये सब कैसे होगा? फॉर्मल इंट्रो सेशन शुरू होने वाले हैं और मैं साची अग्रवाल के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे तुम्हारी झंकार पाने हम है ना, साची अग्रवाल की हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोग्राफी सब निकाल लिए हैं। बस तुम रट्टा मार लो लेकिन कुछ भी गलती से भी भूलना मत, वरना हमारी बैंड बज जाएगी कसम से कह रहे हैं। यहाँ मेरी ऑलरेडी बैंड बज चुकी है और तुम लोग मुझे और मत डराओ प्लीज। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम सब चल। और वैसे भी रट्टा मारने में तो तुम हीरोइन हो, अब तुम्हारी हीरोइन बनती कहीं तो काम आ रही है, तो शुरू हो जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं आई कम इन सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारा सच कभी जान नहीं पाऊंगा। वेल यू आर रॉन्ग, मुझे तुम्हारे सच के बारे में पता चल चुका है और अब एक मिनट भी मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। गेट आउट, तुम इस हॉस्पिटल का हिस्सा कभी नहीं बनोगी। गेट आउट। नहीं, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने देखा कि मल्होत्रा को साची का सच पता चल गया और मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ। मल्होत्रा का साची के आसपास होना तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, पर बेटा उस आदमी की दुनिया में तुम्ही ने साची को भेजा है ना, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि सांची को वहां पर खतरा है, फिर भी ये कदम उठाया तुमने, क्योंकि ये कदम उठाना जरूरी था माँ जी। पिछले 15 सालों से मैंने सांची को इस जंग के लिए तैयार किया है और फिर ये जंग सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत की। अपने पिता का सपना पूरा करने गई है साची, और आप देख लेना सही वक्त आने पर जब मैं साची को सारी सच्चाई बताऊंगी तो मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेगी। बस फिर अपने भरोसे पर भरोसा रख। Yes, ma'am. जैसा अरेंजमेंट करने के लिए मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। Yes, ma'am. आज का दिन बहुत स्पेशल है। और हाँ, कोई कुछ बदलने के लिए कहे तो आप सीधा मेरे पास आइएगा, मेरे परमिशन के बिना यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। ओके? जैसा आपने कहा है वैसा ही अरेंजमेंट होगा मैम। की पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी सारी क्रेडिट ये ले जाएगी। जानती हूं मोहम्मद, लेकिन करूं क्या? कि आनंद ने बिना आज की पार्टी की सारी जिम्मेदारी इस लड़की पर सौंप दी है और ये लड़की मेरी एक नहीं सुनने वाली। वैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, प्रिया ने कोई ना कोई गलती तो की होगी। चल चलकर पता लगाते, एक बार इसकी गलती का पता चल जाए फिर उसका फायदा उठाकर सारी क्रेडिट तू ले लेना।
भगवान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही कर रही हूँ या गलत। मतलब अपने करियर की, अपने अपने सपने की शुरुआत झूठ से कौन शुरू करता है? पर मुझे करनी पड़ रही है। काबिलियत होते हुए भी एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम ना होना आपको गलत नहीं लग रहा? और सबसे गलत ये लग रहा है कि मैं किसी और की पहचान लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रही हूँ। प्लीज भगवान जी, मुझे ऐसा कोई तो इशारा दो कि मुझे ये लगे कि ये सब सही है। प्लीज भगवान जी, ऐसी कोई तो राह दिखाओ जिससे मैं मान लूं कि आप भी इस सब में शामिल हैं। मैं कमन सर। हेलो सर। हेलो मैम। अगर तुम यहाँ बैठकर नर्वस हो रही हो तो लेट मी टेल यू, सावित्री देवी हॉस्पिटल में नर्वस डॉक्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। एकेडमिकली भी आप काफी वीक हैं। Are you sure you want to be a doctor? Yes, sir. I'm sure I am. मुझे डॉक्टर बनना है और मैं इतनी वीक नहीं हूँ। अच्छा, 65% मार्क्स अच्छे? नहीं सर, I'm sorry. मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। हम यहाँ तुम्हारी सफाई सुनने नहीं बैठे। On the first hand, तुम यहाँ आना डिजर्व नहीं करती, फिर भी तुम इस सेशन में बैठी हो। Consider yourself lucky. और हाँ, तुम्हें यहाँ के प्रोग्राम के साथ कोप अप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Yes sir, मैं मेहनत करने से नहीं डरती। और मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, मार्क्स से ज्यादा इंसान की काबिलियत मायने रखती। And I know मुझ में वो काबिलियत है। And sir, I promise मैं इस प्रोग्राम में अपना बेस्ट दूंगी। ये बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ बैठकर हर स्टूडेंट करता है, लेकिन हम बातों पर नहीं सिर्फ रिजल्ट में बिलीव करते हैं। Yes sir, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। You can go. Thank you. एक मिनट। तुम्हारे फॉर्म में तुम्हारी फोटो नहीं है, एक्स्ट्रा फोटो है? जी जी। अबे साची, तुम जल्दी से आंटी को फोन करके बता दो कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। मेरा नहीं, साची अग्रवाल का। बार दिक्कत का है जिंदगी में? हाँ, कम ऑन साची, स्टॉप दिस राग यार। एक बार आंटी को कॉल करके ये गुड न्यूज तो दो, फिर देखना उनकी खुशी सुनकर तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होगा ईशा, इनफैक्ट अब स्टॉप दिस यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, बात करो। हेलो साची। हाँ मैम, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी बेटा। एडमिशन्स का पूरा काम हो गया ना? तू डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई है साची, और वही बनेगी। आज हमारी बेटी हमारा सपना पूरा करने जा रही है। हाँ मैम, मिल गया एडमिशन। मुझे पता था कि तेरा एडमिशन जरूर होगा, इसलिए तेरा फेवरेट हलवा बना रही हूँ, बस जल्दी घर आ जा। अच्छा मैम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
हाँ हाँ ठीक है। उनकी खुशी सुनकर मुझे और हर्ट हो रहा है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या बुरा लग रहा है? इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कर रही हो, तुम्हारी माँ का सपना पूरा हो रहा है, हमको तो कोई वजह नहीं नजर आ रही रोने धोने की। हाँ, लेकिन अगर जबरदस्ती तुम अपना दिमाग इधर उधर पटकती पड़ी रहोगी ना, तो तुमको कभी अच्छा नहीं लगेगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसका मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। एक बार बस हॉस्टल रूम की चाबी मिलने दो, फिर खुशखबरी सुनाने तुम्हारे घर जाएंगे और फिर आते हुए तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे खाते हुए आएंगे। चले? हाँ, चॉकलेट केक टाइम पर आ जाना चाहिए एंड मेक श्योर कि उस पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लो, सावित्री, SAVITRI, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हैप्पी 15th एनिवर्सरी। हाँ, ओके। प्रिया बेटा, तुम्हें तो पता है ना प्रिया कि तुम्हारे पापा को चॉकलेट से एलर्जी है, तुमने फिर भी चॉकलेट केक ऑर्डर कर दिया। मैं संभालूंगी, तुम एक काम करो, तुम अभी ना उनका फेवरेट रेड वेलवेट केक ऑर्डर कर दो। मेरी माँ का फेवरेट फ्लेवर था चॉकलेट, और क्योंकि हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पर है तो ऑब्वियसली बात है केक भी उन्हीं के पसंद का आएगा। हाँ, लेकिन वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो यू कैन। ऐसा आपको लगता है, इसीलिए आपने यहाँ जगह बनाने की कोशिश की है। अपने बच्चों के दिल में वो हमेशा रहेंगे। और जहां तक सवाल रहा पापा का, उनका फेवरेट रेड वेलवेट मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया। उनके बच्चों को उनकी फिक्र है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अंकित अनिकेत अनंत, रूम नंबर 111। एक सेकेंड, ये गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल कंबाइंड है? यो बेबी, इट्स अ कोएड हॉस्टल। बेस्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के साथ साथ अब रोज सुबह सुबह क्यूट बॉयज को देख के आई टॉनिक भी मिलेगा। अबे ओ, तुम ना लड़कों के नाम पे ज्यादा लहराना बंद करो, समझी? जल्दी से चल के चाबी ले ले, कसम से कह रहे हैं पूजा गजीब गजीब के नाम थक चुके हैं। गाइस, तुम्हें पता है मिस गोलगप्पा भी हमारे साथ हॉस्टल में रहने वाली है। ये वही प्रैंक वाला लड़का है। अबे लेकिन तुम तो एकदम फिट फाट दिखती हो, तो गोलगप्पा का है? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। पर दिखता क्यूट है। अबे ओ, तुम्हारा लफंडोबाजी यहाँ भी चालू हो क्या? ज्यादा तितली की तरह उड़ो मत, नहीं तो चलो। सर, हमारा रूम नंबर कौन सा है? आपका नाम? सर प्रज्ञा, साची और ईशा। सर, मिस गोलगप्पा का रूम नंबर क्या है? क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए मेरा रूम नंबर? फिर से थप्पड़ खाने का इरादा है क्या? इरादा तो नहीं है मिस गोलगप्पा, लेकिन अगर तुम्हें मुझे टच करने का इतना मन कर रहा है ना, तो वी स्टे इन टच। चेंज कर सकते? दिस इज अनफेयर सर। तुम डॉक्टर कैसे बनी? पहले कम रायता फैला हुआ है का, जो इससे भिड़के और नेता बन रही हो? हाँ साची, प्रज्ञा इज राइट,
पहले से तुम्हारा केस बहुत सेंसिटिव है, अभी और पंगे करके लोगों की नजरों में मत आओ। और वैसे भी वो कहीं पे भी रहे, हमें क्या? तुम्हारे रूम में तो नहीं है ना, है ना? आई डोंट माइंड। हां तुम अपना मुंह बंद करोगे? अबे छोड़ ना, अभी रूम में सामान रख के घर चलते हैं, आंटी वेट कर रहे होंगे ना। हाँ चाची, इसको तो बाद में आके देख लेंगे, अभी के लिए लेट्स गो। चलो। अरे बात बात पर मुंह फुला ले। मैं लिस्ट से काट चुका हूं, फिर भी वो मेरे जहन से जा क्यों नहीं रहा? भैया आदर्श कम। भैया वो मैंने इंटरनेशनल नेगी के डैडी से बात कर ली है और उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया कि उनकी बैक बेंचर और मॉडल लड़की का एडमिशन इस कॉलेज में सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हमारी नई कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए वो फंड दे सके। और वैसे भी सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल किसी को फ्री में चैरिटी नहीं करता, am I right भाई? भैया क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? आदर्श एक नाम है जो बार बार मेरे जहन में आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा नाम है? डॉक्टर साची मिश्रा, डॉटर ऑफ जया मिश्रा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.